आज हम पढ़ेंगे ड्रिल मशीन के स्लीव के बारे में। ड्रिल मशीन का स्पिंडल स्टैंडर्ड साइज का होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्रिल को सेट किया जाता है। तुम्हें पता है कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल के अंदरूनी होल में स्टैंडर्ड टाइप का टेपर बना होता है, जिसमें अलग अलग साइज के ड्रिल बिट को सेट किया जाता है, उसमें फिट किया जाता है और उसके बाद ड्रिल किया जाता है। तो जो टेपर होता है वह स्टैंडर्ड टाइप का होता है और टेपर सैंक ड्रिल को डायरेक्ट उसमें फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। तो मशीन का स्पिंडल स्टैंडर्ड साइज का होता है, लेकिन उसके द्वारा अलग अलग साइज के अलग अलग डाया के ड्रिल को लगा करके होल किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ड्रिल बिट का साइज अलग होता है और मशीन के स्पिंडल का साइज अलग होता है, जिसमें ड्रिल बिट डायरेक्ट उसमें सेट नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट सेट नहीं होने के कारण उसमें एक साधन का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब ड्रिल मशीन का स्पिंडल का होल बड़ा साइज का हो। जैसे यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ये आपका मशीन का स्पिंडल है, जिसके अंदर जो होल है ये टेपर साइज का होल, टेपर होल होता है, जिसमें ड्रिल ये आपका ड्रिल है, जिसका ये टेपर साइज, टेपर सैंक मशीन के टेपर होल में फिट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका जो साइज होता है ये बड़ा होता है और ये साइज जो आपका हो गया छोटा हो गया। तो इसमें जब हम टेपर सैंक को मशीन के स्पिंडल में लगाते हैं तो ये ढीला होता है, छोटा होने के कारण ये ढीला होता है, जिसके कारण ये आसानी से उसमें सेट नहीं किया जा सकता है और ना ही आप ड्रिल कर सकते हैं। तो इसके बाद इसी के लिए एक साधन का प्रयोग होता है, जिसका नाम है स्लीव। तो स्लीव का बनावट भी जो होता है एक टेपर में बना होता है इस प्रकार से, पेपर में बना होता है। स्लीव का अर्थ होता है होल, ये जो भाग है इसको हम स्लीव कहते हैं। स्लीव अर्थात एक प्रकार का खोल, जिसको ड्रिल के पेपर सैंक पर हम चढ़ाते हैं या फिट करते हैं। इससे क्या होता है कि इसका जो साइज होता है, सैंक का साइज बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण यह इसमें आसानी से सेट हो जाएगा। आई होल है ये, आई होल। जब ये बड़ा हो गया तो इसके साइज का हो जाता है, स्टैंडर्ड साइज का हो जाता है, जिसमें इसको हम फिट कर देते हैं। तो स्लीव जो है अलग अलग साइजों में मिलता है, जिसको प्रयोग के अनुसार हम ड्रिल बिट पर स्लीव को सेट करते हैं और मशीन के स्पिंडल में फिट करके अपना कार्य आसानी पूर्वक करते हैं। तो इस प्रकार स्लीव एक साधन है, जिसका प्रयोग किया जाता है ड्रिल मशीन की अपेक्षा। ड्रिल बिट का साइज यदि छोटा है और मशीन के स्पिंडल में फिट नहीं हो रहा है, तब हम स्लीव का प्रयोग करके मशीन के साथ अपना होल करते हैं। इस प्रकार स्लीव कार्य करता है। चलिए, धन्यवाद।